हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। ये आज का जो वीडियो है, ये मैंने एक इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक बेबी क्रेडल स्विंग मंगाया था, उसका मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर है कि ये कोट स्लीपर है, बच्चे को आप अपने साथ सुला सकते हैं। सेकेंड जो इसका फीचर है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, फ़ोन के साथ कनेक्ट करके आप इसमें अच्छी अच्छी राइम्स और सर्विंग म्यूज़िक बजा सकते हैं। थर्ड है मूवेबल है, आप इसे कहीं भी घर में मूव करके कहीं भी रख सकते हैं अपने पास। और थर्ड है ये ऑटोमेटिक स्विंग है, और ये उसके कुछ डिटेल्स हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, तभी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो ये जो है स्टार एंड डेजी साइट से आया है, कूगलाइट इसका नेम है। और ये इसके कुछ फीचर्स, बॉक्स के ऊपर डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो ये इसका इस तरह से बॉक्स आया और उसमें से ये बैग निकला है। इस बैग के अंदर इसका सारा सामान है। इसी बैग में आप इसे चाहें तो पैक करके कहीं ले जा भी सकते हैं। ये देखिए, इसी तरह से कैरी करके आप इसको ले जा सकते हैं। बड़ा अच्छा बैग है ये, इसके साथ मिला है जो। तो ये इसमें से सामान निकला है काफ़ी। इसके साथ ये मस्कीटो नेट भी आया है, और ये सारे इसके टूल्स हैं, सामान है, मतलब जो हम अभी अटैच करेंगे इसके साथ। ये इसका मैनुअल है, ये देखिए, ये है इसके साथ जो बेड है। ये मैंने इनको भैया को बुलाया था मेरी हेल्प के लिए, ये मुझे अटैच करके देंगे सारा। ये देखिए, इसके व्हील्स हैं, जो इसकी सामान है सारा, मतलब ये लेग्स और बाकी की चीज़ें, ये सब जो है एल्यूमिनियम का है, वुडन फिनिश के साथ है। लुक इसका वुडन जैसा है, मतलब लगता है कि स्विंग वुडन का है बट एल्यूमिनियम का है। बहुत अच्छी क्वालिटी है, प्रीमियम क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी। तो ये देखिए, भैया ने इनकी इसकी लेग्स अटैच की हैं। इसके बाद इसका जो है नीचे बास्केट, और बास्केट के बाद ऊपर स्विंग लगा के बस ये डन हो जाएगा। तो अभी मैं थोड़ा सा इसका ना आपको रिव्यू आपको बताती हूँ कि एक्चुअली क्या है कि थोड़ा कॉस्ट में अगर लगाया जाए तो है थोड़ा सा कॉस्टली, बट देखिए मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है इससे, बहुत ज़्यादा। मैं इसको मूव करके कहीं भी ले जाती हूँ, किचन में, हॉल में, बेडरूम में, तो निवान आराम से मेरे साथ ही रहता है। और फुली ऑटोमेटिक स्विंग है, तो मैं इसे जहाँ पे भी स्विच है लगा के स्विच में लगा के इसे छोड़ देती हूँ, और निवान सोता रहता है आराम से। मस्कीटो नेट का भी बेनिफिट है, आराम से मैं उसको लगा देती हूँ, तो मुझे टेंशन नहीं है कि कोई मक्खी मच्छर उसे परेशान करेगा। तो ये देखिए, यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। और सबसे पहले इसमें कान्हा ने झूला लिया, सबसे पहले इसमें बैठे हैं मेरे कान्हा। ये देखिए, फुली स्विंग, फुली ऑटोमेटिक है, इसको हमने स्विच में लगा दिया और ये देखिए अपने आप चल रहा है। तो सबसे पहले इसमें कान्हा ने झूला लिया, इसके बाद इसमें निवान झूला लेगा। ये देखिए, ये अब इसमें निवान झूला लेगा। ये देखिए, काफ़ी बड़ा साइज़ है। इस पे डिटेल में तो यही लिखा हुआ है, मेंशन किया गया कि 2 साल तक का बच्चा इसमें आराम से लेट सकता है। फिर भी देखते हैं कब तक ये मेरे यूज़ होता है, बट जितना मैं इसे यूज़ कर रही हूँ 2 साल तक, तो ये काफ़ी, मैं इसे बहुत अच्छे से यूज़ कर लूँगी, बिकॉज़ मैं इसको सारा दिन निवान इसी में ही रहता है। ये देखिए, ये वीडियो अब मैंने बनाई है अलग से। देखिए, ये यहाँ पे निवान कितना कोजी और आराम से सो रहा है, बहुत ही इसके साथ अच्छा। जो बेड मिला हुआ गद्दा, वो बहुत अच्छा है। ये बीच में यहाँ पे मैं सोती हूँ और इधर ये रुद्र सो रहा है। दोनों बच्चों को मेरे साथ सोना होता है, तो बेड पे पॉसिबल नहीं है हम सारे सो पाएँ, तो इसलिए मुझे ऐसे एक स्विंग की काफ़ी टाइम से नीड थी, तलाश भी थी, मैं ढूंढ रही थी, सर्च कर रही थी कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए, तो ये मुझे मिला है। ये देखिए, अब मैं इसकी आपको डिटेल्स दिखाती हूँ। ये यहाँ से
ऑन ऑफ का बटन प्रेस कर सकते हैं, जैसे ऑन किया इसे, ऑन ऑफ। और ये यहाँ पे इसकी स्विंग की स्पीड आप मेंटेन कर सकते हैं 1, 2, 3 तक, 1 और 2 और 3। उसके बाद ये म्यूज़िक है, म्यूज़िक के कुछ ऑप्शन इसमें भी दिए हुए हैं, आप यहाँ से अप एंड डाउन से चेंज कर सकते हैं म्यूज़िक को। और ये आप टाइमर सेट कर सकते हैं कितनी देर के लिए आपने स्विंग को चलाना है। और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से आप म्यूज़िक इसके साथ अपनी मर्ज़ी का भी चला सकते हैं। और नीचे ये देखिए, इस तरह से जब आपको इसे यूज़ ना करना हो, मतलब स्विंग को ना चलाना हो जैसे रात को सोते हुए, तो इस तरह से आप इसे लॉक कर सकते हैं। ये मैंने लॉक ओपन किया और ये लगा दिया। इस तरह से लॉक ओपन और क्लोज कर सकते हैं, लॉक लगा सकते हैं। व्हील्स के अंदर भी लॉक अनलॉक का सिस्टम है ताकि स्विंग रात को हिले नहीं, बच्चा परेशान ना हो, उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो। और ये देखिए, ये इसके साथ एक पॉकेट है, पॉकेट में हमेशा इसका रिमोट रहता है। ये देखिए, हर वक्त तो पॉसिबल नहीं है उठ के हम इसे ऑन ऑफ करें, तो ये रिमोट कंट्रोल्ड है, तो ये इसका रिमोट दिया हुआ है इसके साथ। इसमें से आप वॉल्यूम को मेंटेन कर सकते हैं, म्यूज़िक की म्यूज़िक को चेंज कर सकते हैं, स्विंग की स्विंग को स्पीड को भी मेंटेन कर सकते हैं। सारा जो ऑप्शन है वो इस रिमोट के अंदर दिया हुआ है, तो ये रिमोट हमेशा इसके अंदर रहता है। और ये इसका मैनुअल है, कुछ डिटेल आपको समझना है तो आप इसमें रीड कर सकते हैं। नीचे बास्केट दिया हुआ है, बास्केट में आप कुछ सामान रख सकते हैं जो भी आपको रखना हो। और अब एक और मैं इसकी आपको फीचर एक और जो नहीं दिखाई है वो दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, इसमें ये हाइट एडजस्टमेंट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 तक। तो यहाँ पे मैंने इसे 3 पे किया हुआ है इस साइड से, और दूसरी साइड में मैंने इसे 5 पे किया हुआ है, यानी कि जो मैंने हेड साइड है वो मैंने 5 पे की हुई है, और जो फीट वाली साइड है वो मैंने 3 पे की हुई है, यानी कि हेड मैंने जो है वो अप किया हुआ है। बिकॉज़ क्या है, ताकि जैसे बच्चा दूध पीता है तो थोड़ा हेड हमें हमेशा बच्चे का थोड़ा ऊपर रखना चाहिए, तो इसलिए बच्चा चुक ना हो, दूध ना निकाले, तो इसलिए हेड साइड मैंने थोड़ी ऊंची की हुई है। आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं इसकी, ये भी इसका एक फीचर है। ये देखिए, इसके साथ वायर आई हुई है, और यहाँ से मैंने आप इसे अपने साथ बेड साइड में कोई स्विच हो उसमें लगा सकते हैं। मेरी बेड साइड में जो स्विच है उसमें मैं मोबाइल लगाती हूँ हमेशा, तो इसलिए मैं इसके लिए मैं एक्सटेंशन का यूज़ करती हूँ। और एक्सटेंशन का जो ये बोर्ड है, ये मैं इसके नीचे ही रख के रखती हूँ ताकि कहीं पे भी जाऊँ, किसी भी स्विच में मैं इसे इजीली लगा सकूँ। तो ये देखिए, आराम से दोनों बच्चे मेरे साथ सो पाते हैं, मैं बीच में सो जाती हूँ। तो ये बहुत अच्छा है, मेरे लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। लिंक मैंने नीचे दे दिया है, अगर किसी को परचेज़ करना हो तो वो कर सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई और डिटेल अगर आपको पूछनी हो तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।